आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे बायोसेरा अल्कलाइन का टेस्ट करेंगे कि कितना पानी अल्कलाइन आ रहा है। हमें इसको लगाए हुए करीब 7 से 8 महीने हो गए हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, लेकिन आज टेस्ट करके हम देखेंगे दोबारा से एक बार कि कितना अल्कलाइन अभी भी आ रहा है। सो देखते हैं इसको। हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में बताया था अल्कलाइन को चेक करने के लिए कि ओरिजिनल है नहीं है, तो इसका QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं और आपका जो वेबसाइट है बायोसेरा का वो ओपन हो जाएगा अगर आप कोई ऐप से करेंगे तो, जैसे पेटीएम वगैरह। सो चलिए चेक करते हैं कि कितना अल्कलाइन वाटर है। पहले तो हम रॉ वाटर चेक करते हैं। तो रॉ वाटर मैंने थोड़ा सा ले लिया इसमें ग्लास में। चेक करने के लिए मेरे पास pH ड्रॉप है, ये pH बॉटल आता है। सो अब इससे चेक कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल में इतना रिलायबिलिटी नहीं रहता जितना इनमें रहता है, या फिर कोई ब्रांड का हो तो ही pH मीटर सक्सेसफुल रहते हैं। सो आप देखिए इसमें pH का मैं ड्रॉप डाल रहा हूँ। सो इसका कितना कलर चेंज होता है वो देखते हैं। दो ये ग्रीन आ गया हल्का सा। ये मैंने लिक्विड थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया था। सो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का हो गया है। इसका जो कलर है आपको दिखा देते हैं, ये हो गया ग्रीन। ये देखिए इस पर चार्ट बना है, इसके हिसाब से मैच कर लेते हैं। तो ये ग्रीन है, रॉ वाटर का 7 pH पानी आ रहा है। अब हम चेक करते हैं अल्कलाइन बायोसेरा का पानी कितना आ रहा है। सो इसको हम गिरा देते हैं। हमने इसको अच्छे से धो लिया। अब बायोसेरा का टेस्ट कर लेते हैं कि कितना है। इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। सो ये बायोसेरा का वाटर हो गया। ये हल्का सा ब्लूइश हुआ है जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं कलर पहले से। सो इसका जो pH है ना, तो ये ग्रीन आ रहा है पहले की तरह। आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। सो कलर में फ़र्क आ गया क्योंकि ये ब्लूइश है, ग्रीन नहीं है, पहले वाला ग्रीन था। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ अदर ग्लास में लेके। सो इसमें हम रॉ वाटर ले रहे हैं। तो कलर में फ़र्क आपको क्लियरली मेरे को नज़र आ रहा है इसमें। ये देखिए आप, कलर जो है ये पूरा ग्रीन कलर का है जबकि ये ब्लू कलर है। शेड का कोई फ़र्क नहीं है, मैं आपको इस साइड लाइट में कर देता हूँ। हो सकता है आपको लाइट की वजह से शायद मोबाइल में इतना क्लियर नज़र ना आए। तो देखिए ये ग्रीन है और ये ब्लू है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर इसका देखें तो करीब 8 pH के अराउंड कलर के हिसाब से जो है मैच हो रहा है इसमें। और अगर बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी चाहिए तो हमें मीटर से चेक करना पड़ेगा कि कितना है। जो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड मीटर्स रहते हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि अंदाजन इसका कह सकते हैं कि 8 pH तो हो गया मेरा, 7 से 8 pH हो गया। हमने मीटर से ऑलरेडी चेक किया था तो ये तब शो कर रहा था 8.5 pH। सो आज ये दिखाना था कि 7 से 8 महीने के बाद भी कलर का इतना डिफरेंस है। आप देख सकते हैं प्योर। सो इस तरीके से आप pH चेक कर सकते हैं और बायोसेरा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अब हम इसको जो है नेक्स्ट टाइम जब भी एक साल के बाद अब देखेंगे, क्योंकि हालांकि 7 से 8 महीने हो गए हैं। सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहा है हमारे लिए, pH काफ़ी अच्छा रहा है। एसिडिक वाटर का जो इशू रहता है, जो डॉक्टर्स का रहता है कि RO नुकसान करता है, अगर आप बायोसेरा अल्कलाइन लगवाते हैं तो सबसे बेस्ट क्वालिटी, टॉप मोस्ट क्वालिटी है, इम्पोर्टेड है, मेड इन कोरिया मेंशन है इधर।
आप देखिए मेड इन कोरिया मेंशन है, जो कि हेल्थ के या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी कोरिया के प्रोडक्ट्स का कोई मुकाबला नहीं रहता। सो आप इसको लगाएं और आपका जो अल्कलाइन वाटर है आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसमें हमने ये क्या कर रखे हैं आपको बताते हैं, जो इसका अल्कलाइन निकलता है वाटर वो इसमें जाता है। हमें थोड़ा नेचुरलिटी और चाहिए था, मतलब कि पानी का टेस्ट हमें और अच्छा चाहिए था। सो हमने क्या कर रखा है इसमें आपको बताते हैं, जो पानी इससे निकलता है वो हम इस मटके में डाल लेते हैं, इससे पानी हमें ठंडा भी मिलता है। हम फ्रिज का पानी नहीं पीते क्योंकि फ्रिज के पानी में क्या बॉटल्स जो है, हाँ अच्छा काफ़ी लोग पीते हैं, आपके बॉटल्स आप या तो अच्छी रखो जो 200 रुपये करीब की आती है, जो ब्रांड की आती है बॉटल्स काफ़ी हैवी क्वालिटी की, क्योंकि फ्रिज का पानी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। जो मटके का ठंडा पानी है वो नुकसान नहीं करता, साथ में मिनरल्स भी ऐड होते हैं। सो जब आरओ से पानी हम सीधा भरते हैं मटके में, और उसके बाद भी अगर आप चाहे तो तांबे के बर्तन में जो है जग वगैरह या बॉटल में उसमें आप पानी उसमें रख दीजिए रात को और फिर पानी पीजिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आजकल कॉपर अल्कलाइन भी आ रहा है, हमने हालांकि एक ही लगा रखा, आरओ में स्पेस के हिसाब से लगा सकते हैं, आपको ही एक ही अल्कलाइन लगा सकते हैं। हमने अभी इसमें सेडिमेंट लगाया हुआ है, कार्बन मेम्ब्रेन और बायोसरा का अल्कलाइन लगाया हुआ है, और साथ में फिर हम इसमें मटके में डाल देते हैं और मटके से तांबे के जग में, जैसे कि मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि तांबे के जग से आप पानी पीजिए। सो मैं मटके में डाला रहता है हर वक्त, जब भी स्टोर करते हैं मटके में ही करते हैं आरओ का वाटर एक्स्ट्रा, और फिर मटके से ही लेते हैं। सो ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर आजकल कॉपर अल्कलाइन फ़िल्टर है उसमें कॉपर ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक होता है। आप जेन्युइन प्रोडक्ट लेंगे, आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ रहा है तो यानी असली माल मिल रहा है, सस्ता पड़ रहा है तो यानी वो प्लास्टिक के कोई बॉल्स हो सकते हैं। सो आप कॉपर अल्कलाइन लगाइए, कॉपर जिंक अल्कलाइन लगाइए, हाइड्रोजन अल्कलाइन लगा सकते हैं, या फिर बायोसेरा का बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कॉपर चाहिए आपको बायोसेरा में, या जिंक होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अल्कलाइन आप बायोसेरा का लगाइए, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा अल्कलाइन फ़िल्टर है, मतलब कि जेन्युइन जिसे कहते हैं ना वो चीज़ है इसमें। और आपको 7 से 8 महीने के बाद का रिज़ल्ट मैंने दिखा दिया है, या आज का कोई नया मैंने अभी नहीं लगाया कि नया हो, इसी कंडीशन आप देख सकते हैं। ओके सो बने रहिएगा, आपको अगर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको और भी ऐसे फ़िल्टर्स का टेस्टिंग दिखाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।